हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं नेमी चंजानी और हम इस क्लास में आरएस प्री के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट की थी, उसमें हम कुछ उसके बेसिक्स पढ़े थे, फिर कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो करे थे, उसके बाद डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, और इसी क्रम में आज हम पहले कार्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ताश के पत्तों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो करेंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आते हैं मिक्स क्वेश्चन, जैसे बॉल का आ जाता है, सही गलत का आ जाता है, कोई बल्ब वगैरह वो ख़राब है सही है उसकी क्या प्रायिकता है, वैसा आ जाता है, जिन पे मोस्टली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट भी यूज होते हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कार्ड्स के बारे में बताता हूँ आपको कि जो आपके ताश के पत्ते होते हैं उनमें कौन कौन सी टर्म होती है, कौन कौन सी टर्म यूज होती है, क्या क्या पत्ते होते हैं, अगर फेस कार्ड होता है तो वो क्या होता है, नंबर कार्ड होता है तो वो क्या होता है। देखो ये देखो, ताश की एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, आप सभी जानते भी हैं, लेकिन फिर भी जो नहीं जानता उसके लिए हम थोड़ा उनको बता देते हैं कि भाई ये चीज़ें होती हैं, ताकि उनके रिवाइज हो जाए ये चीज़ें, और जो जानते हैं उनको पता है कि ये होते हैं, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी फिक्स है, प्रोबेबिलिटी की दृष्टि से वो कैसे इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो, ताश की एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, सबको पता है 52 पत्ते होते हैं, एक ताश का पैकेट होता है, एक गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं बता देता हूँ ये जो चीज़ें लिखी हुई है वो क्या है। कार्ड्स जो है ताश के पत्ते, एक पैक होता है यानी एक गड्डी होती है पूरी, उसमें 52 कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं, और आप जानते हैं कि उस 52 कार्ड जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? आप कहोगे कि उसमें, आप अपनी भाषा में अगर मैं बात करूं, जो भाषा हम यूज करते हैं, कि एक होता है हुकुम, एक होता है चिड़ी, एक होता है ईंट के पत्ते और पान के पत्ते, ठीक है, ये चीज़ें उसमें होती हैं। अब इसके साथ साथ इंग्लिश इनकी कई बार क्या होगा, हो सकता है कि एग्ज़ाम में भी ऐसा हो जाए कि हिंदी में भी जो इंग्लिश है ना वो लिखी हो, और हिंदी में कुछ ऐसी अजीब अजीब चीज़ें लिखी हुई हो जो नाम में, जैसे अभी मैं बताऊँगा क्या लिखा हुआ हो, तो हमने क्वेश्चंस जो डिज़ाइन किए वो उसी प्रकार से किए कि आपको उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे हो सकता है हुकुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हुकुम को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेड, अगर स्पेड लिखा है, हो सकता है क्वेश्चन हिंदी में हो और वहाँ भी हुकुम की जगह स्पेड लिखा है, हो सकता है एग्ज़ाम में भी ऐसा हो सकता है, इसलिए आपको इनके विशेष तौर पर इंग्लिश नाम भी याद करने हैं, इंग्लिश के नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है, इंग्लिश के नाम भी आपको याद होने चाहिए, मैं बता देता हूँ। इसके अलावा कुछ ऐसे भी, जैसे क्या होगा, बादशाह जो है, आप जानते हैं बादशाह, उसको इंग्लिश में तो किंग बोलते हैं, लेकिन कभी हिंदी करने वाला क्या हो सकता है कि बादशाह की जगह राजा लिख दे, राजा लिख दे, तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि ये किंग की बात करिए, बादशाह की बात कर रहे हैं, ये बातें आपको समझने की आवश्यकता है। तो ये टर्मिनोलॉजी इसीलिए तो मैं पहले समझा रहा हूँ कि इनको और क्या क्या लिखा हुआ आ सकता है, बाकी तो क्वेश्चन में आज जब लिखा आएगा तो मैं और बता दूंगा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन आपको भी उसी चीज़ का आदि हो जाना है कि हाँ ऐसा लिखा आ सकता है तो हमें समझ जाना है, ऐसे नहीं कि ऐसा क्यों लिखा आया। तो वो सारी टर्मिनोलॉजी इसीलिए मैंने क्वेश्चन जो है उनमें से भी सेम वैसे ही लिख रखा है जैसे कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हैं, ठीक है। स्पेड बोलते हैं, चीड़ी को बोलते हैं कलम, ईंट को बोलते हैं डायमंड, और पान को बोलते हैं हैट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके साइन होते हैं ऐसे, आपने देखा होगा, जैसे एक बार मैं अगर पत्ते दिखाऊं आपको तो ये देखो, ये एक सूट होता है, सूट क्या होता है, जो 13 पत्ते हैं उसको एक सूट बोलते हैं, यानी इसका 13 पत्तों का एक सूट होता है, यहां होता है 13 पत्तों का, यहां होता है 13 का और यहां 13 का, ठीक है, इसको बोलते हैं एक सूट। अब ये हुकुम, आप जानते हैं इसको हुकुम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हुकुम, इसको बोलते हैं हुकुम,
अभी मैंने बताया 13 पत्ते होते हैं हुक्म के, मैंने कहा टोटल 52 पत्ते होते हैं, 52 टोटल होते हैं, 13 हुक्म के होते हैं, 13 पत्ते होते हैं ईंट के, और 13 पत्ते होते हैं पान के, इसको पान बोलते हैं और इसको ईंट बोलते हैं और इसको चीड़ी बोलते हैं, इसके भी 13 पत्ते होते हैं। ये आपको याद रखना है चीज़ें, चारों नाम याद रखना है, चारों की हिंदी क्या होती है, और हर सूट में एक सूट होता है 13 पत्तों का, ये 13 ये 13 13, और हर सूट में जो है कितने पत्ते होते हैं ये आपको याद रखना। अब मैं आगे बताऊंगा ये 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं, सब जानते हैं वैसे, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, जो नहीं जानता वो कहेगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है। हो सकता है किसी ने ज़िंदगी में ताश नहीं खेली, वैसे ये पॉसिबल नहीं है कि हर लोगों ने खेली नहीं, तो देखी होगी कहीं, तो जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार के लिए इनको सबको रिवाइज करा देता हूँ आपके, ठीक। तो ये होते हैं चार सूट होते हैं, हुकुम का, ईंट का, पान का और चिड़ी का, और सब में 13-13 पत्ते होते हैं, ठीक है जी, 13-13 पत्ते होते हैं। 13-13 पत्ते कौन से होते हैं, 13 पत्ते कौन से होते हैं, देखो इसमें भी 13, इसमें 13, इसमें 13, इसमें 13। अब देखो क्या होते हैं 13 कौन कौन से होते हैं, दो नंबर से चालू होता है, नंबरिंग की बात करें तो एक होता है दो नंबर से, फिर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8, 9 और 10 नंबर तक होते हैं। जो कार्ड होते हैं उन पे 2 से लेके 10 नंबर तक होते हैं, एक 2 नंबर का पत्ता, एक 3 नंबर, एक 4 नंबर, एक 5, एक 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद आता है जे, उसके बाद आता है क्यू, उसके बाद आता है के और एस, ए बोलते हैं इसको, ए चाहे तो इसको यहाँ रख दो या चाहे इसको यहाँ रख दो, मैंने रख दिया सबके लास्ट में, सबके लास्ट में, सबके लास्ट में इसलिए रख दिया क्योंकि हम इक्के को ही सबसे बड़ा मानते हैं ताश में, ठीक है। तो आपने रख दिया एस, ये पत्ते होते हैं, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, हो गए 13, ये 13 पत्ते होते हैं हर सूट में, चाहे पान का हो, चाहे ईंट का हो, चाहे हुक्म का हो, चाहे चीड़ी का हो, एक होता है 2 1 3 1 4 5। अब आप इनको कुछ भी बोलते होंगे, जैसे 10 को दहला बोलते हैं कोई, 10 को बोलते हैं दहला, इसको बोलते हैं कोई नहला, वो आपके नाम है कुछ भी हो उन पे, लेकिन नंबर ये डले हुए होते हैं, ये नंबर होते हैं उन पे, और अगर वो ईंट का है तो ईंट का साइन होता है, चीड़ी का है तो चीड़ी के साइन होते हैं उन पे, हुक्म का है तो उस पे हुक्म के साइन होते हैं, और पान का है तो उन पे पान के साइन होते हैं, लेकिन नंबर ये डले हुए होते हैं। आप इनको कुछ भी बोलो, कोई इसको पंजी बोलता है, ठीक है, वो अलग है, आपका कुछ भी बोले, इसको नहला बोलते हैं, इसको दहला बोलते हैं, इसको गुलाम बोलते हैं, इसको बेगम बोलते हैं, इसको बोलते हैं बादशाह, ये आप बोलते हैं, ठीक है। जे का मतलब होता है जैक, क्यू का मतलब होता है क्वीन, के का मतलब होता है किंग, और इसको बोलते हैं इक्का, इक्के का मतलब होता है एस, क्लियर। आप सबको समझ में आ गया कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं और 13-13 पत्तों के 4 सूट होते हैं, हर सूट में ये पत्ते होते हैं 13 जो होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर डले हुए होते हैं उन पे, बाकी 3 पत्ते होते हैं जे के क्यू और एक होता है एक एस इक्का। इतनी बातें आपको आ गई समझ में, इसके बाद आ गई तो मैं अब दो भागों में इनको बांट देता हूँ। नंबर कार्ड और फेस कार्ड, जो 2 से लेके 3 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये जिन पे लिखे होते हैं, जिन पत्तों पे ये लिखा होता है, उनको बोलते हैं नंबर कार्ड, नंबर कार्ड बोलते हैं उनको, ठीक है। नंबर वाला पता बोलते हैं कि जिन पे संख्या लिखी हो, संख्या वाला है ना, संख्या लिखी हुई हो, ठीक है जी। फेस कार्ड कौन से होते हैं, जे
माने जेक, क्यों माने क्वीन, और के यानी किंग। ये गुलाम आपका, ये बेगम और ये बादशाह। ठीक है, ये गुलाम, बेगम, बादशाह बोलने को। अब इसको कहीं कहीं बेगम है तो रानी भी लिखा हुआ आ सकता है, रानी लिखा है तो भी समझ जाना यही है, बादशाह लिखा है या राजा लिखा है तो भी समझ जाना यही है। ठीक है, आप कहोगे सर एस, एस को इन दोनों ही कैटेगरी में नहीं लेते हैं। इनको फेस कार्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन पे कोई फोटो होती है, एक तरह से इन पे जो होती है फोटो होती है, चेहरा होता है किसी का, जैसे जेक होता है उसमें चिन्ह होता है, गुलाम का चेहरा होता है, क्वीन का होता है, इसमें किंग का होता है, लेकिन एस पे भी तो कोई चिन्ह नहीं होता, सही बात है ना। और ना ही नंबर होता, एस पे ए लिखा हुआ आता है, तो ना तो इसको नंबरिंग में ले सकते हम और ना इसको फेस में ले सकते, तो ये अपने आप में अलग है, ये याद रख लेना। नंबर वाले पत्ते कितने होते हैं? नंबर वाले पत्ते होते हैं, ये टोटल कितने हैं? 9। एक सूट की बात कर रहे हैं, एक सूट में, अब चाहे वो किसी भी चीज का सूट हो, चाहे वो पान का हो, चाहे ईंट का हो, चाहे हुक्म का हो, चाहे चिड़ी का, एक सूट है आपके, उसमें 9 नंबर वाले पत्ते होते हैं, 3 जो है वो फेस वाले पत्ते होते हैं, और एक होता है इक्का। 9, 3, 12 और 1, 13, टोटल हो गए 13। ठीक है, अगर पूरी गड्डी में बात करूं तो एक में 9 होते हैं, तो पूरी गड्डी में 9 × 4 सूट होते हैं, 36 पत्ते नंबर वाले होते हैं, नंबर वाले होते हैं जिन पे नंबर लिखा होता है, 36 पत्ते नंबर वाले होते हैं। पूरे सूट की बात करी, पूरी गड्डी में बात करूं, पूरी गड्डी में ही, और 3 एक में होते हैं, तो 4, 12 जो होते हैं फेस वाले होते हैं, फेस कार्ड होते हैं जिन पे फेस होता है, और 4 जो है वो इक्के होते हैं। इतनी बात अब क्लियर हो गई सबके, सबके क्लियर हो गई। तो ताश की गड्डी होती है, उसमें 4 प्रकार के सूट पाए जाते हैं, एक पान का, एक हुकुम का, ईंट का और एक चिड़ी का, और हर सूट में 13 पत्ते होते हैं, 13 पत्तों में 9 पत्ते ऐसे होते हैं जिन पे 2 से लेकर 10 तक नंबर लिखे होते हैं, 3 पत्ते ऐसे होते हैं जिन पे किसी का चेहरा होता है, वो गुलाम, बेगम, बादशाह होता है, और एक पत्ता होता है वो इक्का होता है, उसको हम ना तो नंबर में काउंट करेंगे ना फेस वाले में काउंट करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपके सबके। जी आगे देखो, आगे देखो, यही चीजें मैंने लिख रखी है, तो इनको आप एक बार देख लो। हुकुम चिड़ी पान, हुकुम चिड़ी के ब्लैक, हाँ ये और चीज देख लो, इसमें ये लिख भी लो, ये जो हुकुम का पत्ता है इनको जैसा लिखा हुआ मैं वैसे ही लिख देता हूँ, यहाँ मिटा के, ये ब्लैक होते हैं इसलिए इनको ब्लैक ही लिख देते हैं, ये रेड होते हैं इसलिए इनको रेड में लिख देते हैं। हुकुम और चीड़ी, इसको बोलते हैं स्पेड, इसको क्लब, ये दोनों पत्ते जो है ना हुकुम और चीड़ी के, ये जो होते हैं ब्लैक होते हैं, इनके साइन जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, काले पत्ते होते हैं, काले पत्ते। और ईंट और पान जो है आपका, ईंट और पान, ये जो है रेड होते हैं, लाल होते हैं। क्लियर, क्लियर है सबके, इतनी बात आपकी क्लियर है। ठीक है जी, अब देखो हैट लिखा है पान, क्योंकि साइन होता है इसका, ऐसा ऐसा साइन होता है इसका, इसलिए हैट लिखा है। हो सकता है हिंदी करते वक्त कभी इसको लिख दे दिल, तो दिल लिखा हो तो आपको समझना है कि ये पान की बात चल रही है, दिल लिखा हो तो भी ये पान की बात चल रही है, क्योंकि हैट का मतलब ऐसे पान होता है, इसको कभी कभी हिंदी में दिल लिखा हुआ आपके आ सकता है, अगर दिल का पत्ता होने का मतलब है पान का पत्ता है। ठीक है जी, अब देखो आगे, आपने देखा हुकुम और चीड़ी के जो ब्लैक होते हैं, पान और ईंट के जो कार्ड होते हैं वो लाल होते हैं, एक सूट में 4 कार्ड होते हैं, मैंने बताया इक्का, राजा, रानी और गुलाम, जिन्हें फेस कार्ड कहा जाता है। फिर यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, इक्का जो होता है ना उसे फेस कार्ड नहीं कहा जाता, इक्के को फेस कार्ड नहीं कहा जाता,
बाकी जो तीन है इनको फेस कार्ड कहा जाता है। ठीक है, अब देखो एक बार देख लो पेक वापस कैसा होता है। ये 52 पत्तों का एक पेक होता है, उसमें 26 पत्ते लाल होते हैं, 26 काले होते हैं। जो लाल होते हैं वो ईंट के और पान के होते हैं, उसमें नंबर वाले होते हैं 4 और बाकी होते हैं जो नंबर वाले होते हैं 9, बाकी होते हैं 4। चार में कौन कौन से? जे, क्वीन, किंग और एस। इनमें 3 होते हैं फेस वाले और एक होता है एस। 3 होते हैं फेस वाले, एक होता है एस। ठीक है, एक होता है एस। यहाँ भी ऐसा ही। अब एच क्यों लिखा है, इसका मतलब समझते होगी क्या है? इनको बोलते हैं ओनर्ड। देखो दूसरी भाषा में अगर आपको कहूं, इन चार की बात करूं, जो चार पत्ते थे, जेक, क्वीन, किंग और एस, ये जो चारों पत्ते हैं ये ओनर्ड होते हैं, इनको ओनर्ड बोलते हैं, तभी एज लिखा हुआ है। ओनर्ड कार्ड होते हैं, लेकिन ओनर्ड होते हैं तब चारों काउंट होंगे। लेकिन मैं बोलूं फेस कार्ड, फेस कार्ड की बात करोगे तब एस को नहीं लोगे, इक्का जो है उसको नहीं लोगे, बाकी तीन को ही लोगे, जे, के और क्यू, इन तीन को ही लोगे। जब फेस कार्ड की बात करूँ तो इन तीन को लोगे, ओनर्ड कार्ड की बात करूँ तो ये चार होंगे। ठीक है जी, अब यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने समझाई है, तो और देख सकते हैं आप एक बार। देखो यहाँ फिर से लिखा हुआ है कि ये किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जेक होता है, एक एस होता है, 2 से 10 तक कार्ड होते हैं, 13 13 13 13, टोटल हो गए 52। सब की कहानी बता दी। ये स्पेड, स्पेड का मतलब हुक्म, क्लब का मतलब चीड़ी, डायमंड का मतलब ईंट और हेड का मतलब पान। ठीक है, ये देखो स्पेड का मतलब हुक्म, डायमंड का मतलब ईंट, हेड का मतलब पान और क्लब का मतलब चीड़ी। आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई कि होता क्या है ताश के पत्तों में, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और मैंने पहले प्रायिकता की पहली क्लास में प्रायिकता क्या होती है वो तो डिस्कस कर ही चुके, तो आज तो सीधा हमें क्वेश्चंस करने हैं कि प्रायिकता निकालनी है। ताश के पत्तों की बात थी तो मैंने ताश के पत्तों के बारे में बता दिया कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन एक बार के लिए मैं रिपीट करा देता हूँ कि प्रायिकता क्या है। प्रायिकता क्या है? प्रायिकता है टोटल, जो टोटल आउटकम है, और ऊपर लिखोगे जो हमें चाहिए, डिजायरेबल आउटकम या फेवरेबल आउटकम। कई बार बोल देते हैं टोटल आउटकम, डिजायरेबल आउटकम को एन ई बोल देते हैं और टोटल आउटकम को एन एस बोलते हैं। ठीक है, किसी भी घटना ई के गठित होने की प्रायिकता को अगर ऐसे शब्दों में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगी। दूसरा, फिर मैंने बताया था कि ये आपको समझने के लिए था, बाकी तो आपको पता है कि प्रायिकता क्या होती है, जो हमें चाहिए वो ऊपर और टोटल कितना हो सकता है वो नीचे, ये प्रायिकता है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन, 52 ताश के पत्तों के एक पैकेट को, एक पैकेट है जिसमें 52 पत्ते हैं ताश के, यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है जी, उनमें से एक पत्ता निकाल रहे हैं, एक पत्ता निकाला जा रहा है। प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब बताना है कि जब एक पत्ता निकाला, 52 पत्ते थे उनमें से एक पत्ता निकाला, तो ये बताना है कि वो ब्लैक आए, काला आए। तो आप कहोगे कि 52 पत्ते हैं उनमें 26 तो होते हैं ब्लैक और 26 होते हैं रेड, तो टोटल तो कितने हैं? टोटल है 52। मैंने लिखा प्रायिकता ओ ब्लैक आने की, बी लिख दिया, यानी ब्लैक आने की। टोटल है 52, मेरे को क्या चाहिए? ब्लैक चाहिए, तो 26 ऊपर लिख दूंगा, 1/2 प्रायिकता है, हर दूसरा पत्ता जो है ब्लैक होगा। यही तो था कि टोटल आउटकम कितने हैं, कि जब भी मैं एक पत्ता उठाऊं, ताश की पूरी गड्डी है, मेरे को एक पत्ता उठाना है, तो मेरे पास ये है कि 52 पत्ते हैं, उनमें से कोई सा भी आ सकता है, तो कितने चांस आने की? 52 है कि 52 आ सकते हैं, पर मुझे क्या चाहिए? ब्लैक। ब्लैक लेने के लिए मेरे को किस में से उठाना पड़ेगा? जो ब्लैक है, यानी उन 26 में से उठाना पड़ेगा, तो जो मेरे को चाहिए 26 ऊपर और 52 टोटल है, 26/52 1/2। सेम चीज़ हो गई लाल, लाल भी 26 है और 52 टोटल है, 26/52 ही लाल पत्ता आने की प्रायिकता है। ठीक है, ईंट का पत्ता आने की प्रायिकता, अब आप कहोगे कि ईंट के 13 पत्ते होते हैं, 13,
और टोटल कितने हैं? टोटल है 52, तो 13/52, 1/4 हो गई ईंट की प्रायिकता। आप कहोगे कि एक नंबर पत्ता, अब ये चीज हो गई कि ईंट का पत्ता आने की 1/4 प्रायिकता हो गई। नंबर वाला पता, अभी मैंने डिस्कशन किया कि नंबर जो होते हैं, एक सूट जो होता है उसमें 2 से लेके 10 तक 9 नंबर के पत्ते होते हैं, 9 पत्ते होते हैं नंबर वाले, 9 पत्ते नंबर वाले। फिर मैंने बोला कि ऐसे 4 सूट होते हैं हमारे, एक सूट का मतलब है कि कोई पान का ले लिया, मान लो ईंट का ले लिया, चेड़ी का या उक्कम का, एक ले लिया, लेकिन हमारे तो टोटल 4 होते हैं ऐसे, तो चारों में 36 पत्ते होते हैं, वो नंबर वाले होते हैं, 36 पत्ते, 9, 9, 9, 9, 9 ईंट के, 9 उक्कम के, 9 पान के और 9 चेड़ी के, 36 पत्ते होते हैं नंबर वाले। ठीक है जी, नंबर वाला लाना है तो ये 36 में से कोई आना चाहिए, वो टोटल आ कितने सकते हैं? टोटल 52 आ सकते हैं जी। यही हो गई मेरी प्रायिकता इसकी। 4 से काट लिया, 4 9 में 36, 4 से काटा तो 13 चौक 52, 9/13 प्रायिकता हो गई मेरे नंबर का पत्ता आने की। ठीक है, नेक्स्ट है, एक काला पत्ता चाहिए। अब वहां पे तो सिर्फ नंबर का पता चाहिए था, कोई कंडीशन नहीं थी, काला हो लाल हो चलेगा, लेकिन अब फिक्स है कि काला ही चाहिए मेरे को नंबर का पत्ता। अब आपने कहा कि टोटल तो 52 पत्ते हैं, ठीक है, टोटल 52 पत्ते हैं, टोटल 52 पत्ते हैं, और मेरे को चाहिए काला पत्ता चाहिए जो नंबर का हो। आपने कहा कि पूरी की बात करते तो मैं 36 ले लेता अभी जैसे लिखा, फिर आपने कहा काले के ही चाहिए, तो काला का चाहिए, इसका मतलब मेरे को या तो चाहिए हुक्म का या चाहिए चीड़ी का, इसके अलावा अगर ईंट और पान का आता तो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं चलेगा जी। हुक्म के नंबर वाले पत्ते कितने हैं? आप कहोगे हुक्म में 2 से लेके 10 तक नंबर वाले पत्ते हैं, तो ये कितने पत्ते हैं? 9 पत्ते हैं। ऐसे ही चीड़ी में भी 9 पत्ते हैं जिन पे नंबर लिखा हुआ है 2 से लेके 10 तक। तो काला चाहिए मेरे को, तो दोनों कितने हो गए? 18 हो गए, 18/52, 18/52 कितने से कटा? 9/26, 2 से काटा तो 9/26 आ गए मेरे, इसकी प्रायिकता 9/26। नंबर का अगर मेरे को कार्ड चाहिए, नंबर का कार्ड चाहिए तो आ गए 9/26 प्रायिकता। ठीक है, आप कहोगे कि मेरे को तो फेस पत्ता चाहिए जिसमें फेस हो। फिर मैंने कहा अभी कि फेस पत्ता होता है गुलाम बेगम बादशाह, गुलाम बेगम बादशाह, आपने कहा 3। हाँ मैंने कहा 3, इक्का फेस में नहीं आता, ऑनर्ड कार्ड की बात करूँ तो इक्का आ जाएगा, लेकिन सिर्फ फेस की बात करूँ क्योंकि इक्के पे कोई चेहरा नहीं होता, कोई फेस नहीं होता। ठीक है, 3, और ऐसे ही 3 ईंट के, 3 पान के, 3 चीड़ी के, 3 उक्कम के, 12 पत्ते होते हैं ऐसे, 12 पत्ते होते हैं, तो ऐसे अगर इन 12 में से आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। टोटल कितने? 52, 4 3 12 और 13, 4 से काट दिया, 3/13। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, अब पहले था सिर्फ फेस का था, चीड़ी का है, उखुम का है, ईंट का है, पान का है, चलेगा सारे किसी के भी आओ। अब कह रहा है कि जो भी फेस कार्ड आए वो आना चाहिए लाल ही, काला अगर फेस कार्ड आता है तो मेरे नहीं चलता। काला आने का मतलब है अगर चीड़ी का और उखुम का अगर फेस कार्ड आ गया तो मेरे नहीं चलेगा। आपने कहा कि गुलाम बेगम बादशाह तो चाहिए आपको, ये होते हैं फेस कार्ड, गुलाम बेगम बादशाह तो चाहिए आपको, लेकिन ये जो चाहिए, ये चाहिए रेड वाले, रेड वाले चाहिए। रेड वाले बोलते कहा कि या तो पान का आ जाए या ईंट का आ जाए तो चल जाएगा। फिर मैंने कहा पान में ऐसे कितने होते हैं? कहा कि एक पान में गुलाम होता है, एक बेगम होता है, एक बादशाह होता है, तो 3 तो पान के हो गए, और आपने कहा 3 ही ईंट में होते हैं फेस वाले, 3 हो गए ईंट में, टोटल हो गए 6 पत्ते ऐसे जो लाल रंग के हैं और फेस वाले पत्ते हैं जिन पे कोई फोटो बनी हुई है, तस्वीर बनी हुई है। ठीक है, आपने कहा 6 पत्ते हैं ऐसे, पहले टोटल हो रहे थे 12, 12 हो रहे थे तो मैंने ब्लैक वाले हटा दिए, तो 6 बचे, 6 बचे तो ऐसा चाहिए था, तो मेरे को 6 बटे, टोटल तो 52 पत्ते हैं क्योंकि 52 पत्तों की बात चल रही है, 52 पत्तों की बात चल रही है, तो यहाँ आ गया मेरे फिर 3/26, 3/26 इसका आंसर हो गया। ठीक है, सही है कि गलत है? यहाँ जो आ रहा था आपने देखा 3/13 आ रहा था क्योंकि 4 से कट रहा था, वो 4 से नहीं कट रहा, 2 से कट रहा है, यहाँ 12/52 था, वहाँ पे अगर पत्ते सिर्फ 6 बचे तो 6/52 आ गया, वहाँ पे 6/52 आ गया, तो 2 से कटा तो 2 3 6, 2 से कटा 3/26, ठीक है, 3/26 आ गया यहाँ पे, तो इसका आ गया आपका आंसर, जब लाल आपको फेस वाला चाहिए था तो।
आपने कहा एक इक्का चाहिए हमारे को, तो एक इक्का चाहिए, 52 पत्ते हैं, मेरे को एक पत्ता उठाना चाहिए है और वो इक्का आना चाहिए। आपने कहा कि आपके पास आ कितने सकते हैं, आपने कहा 52 पत्ते, तो 52 में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है जी, जो कुछ भी आ सकता है, यानी ये आपके टोटल आउटकम है, वो रख दिए मैंने नीचे, वो रख दिए मैंने नीचे जी। अब चाहिए इक्का, इक्का होते कितने हैं, 4 इक्के होते, तो ये मेरे फेवरेबल आउटकम है, इन 4 में से कुछ भी आएगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो इक्का आने की प्रायिकता क्या हो गई, 1/13, इक्का आने की प्रायिकता हो गई 1/13। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये कह रहा है कि एक काले रंग का राजा आना चाहिए, राजा आने का मतलब बादशाह आना चाहिए। ये मैंने कहा ही था कि टर्मिनोलॉजी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, प्रायिकता में ऐसा ही होगा, हेड को दिल लिखा हुआ आ जाएगा, आप समझोगे कि किस चीज़ की बात हो रही है, तो आपको समझ रहा है कि वो पान की बात है। एक काले रंग का राजा, अब काले रंग के पत्ते कितने होते हैं बताओ, 26 पत्ते होते हैं काले रंग के, और काले रंग के राजा कितने होते हैं, आप कहोगे काले रंग के राजा की बात कर रहे हो, तो अगर हुक्म का राजा, हुक्म का बादशाह, हुक्म और चीड़ी, अगर इनका राजा आ जाए, राजा यानी बादशाह अगर आ जाए तो काम हो जाए। ठीक है जी, हुक्म में कितने बादशाह होते हैं, आपने कहा एक बादशाह होता है, चीड़ी में कितने बादशाह होते हैं, एक बादशाह होता है, आपके पास टोटल आ कितने सकते हैं, आपने कहा 52 पत्ते उठाए हैं, तो 52 पत्तों में से कुछ भी आ सकता है, तो टोटल आउटकम हो गए 52, ये तो टोटल 52 में से कुछ भी आ सकता है। अगर आपका काम कब बनेगा, अगर ये 2 पत्ते आ जाए, इनमें से कुछ भी आ जाए, चाहे ये वाला आए, हुक्म वाला आए, चाहे चिड़ी वाला आए, अपना काम हो जाएगा। तो ये 2 अपने फेवरेबल आउटकम, इसकी प्रायिकता 1/26। काले रंग का राजा आने की क्या प्रायिकता है जी, 52 ताश के पत्तों के पैकेट, 52 का उछाला, एक पत्ता चुना जाना था, काले रंग का, काले रंग के राजा थे 2, अगर इन 2 में से एक आ गया तो अपना काम हो गया। आपने कहा 1/26 इसकी प्रायिकता। फिर मैंने कहा हुक्म की रानी आने की प्रायिकता क्या है, आपने कहा हुक्म की रानी एक ही होती है, पूरे ताश के पत्तों में 52 में, अगर मैं स्पेसिफिक बोल दूं हुक्म की रानी तो आप कहोगे एक, मैं कहूँ चिड़ी का बादशाह कितने होते हैं, आप कहोगे एक, बादशाह बोला 4 होते हैं, चिड़ी का बादशाह बोला एक होता है। ठीक है जी, काले बादशाह 2 होते हैं, चिड़ी का बादशाह एक होता है, पूरे बादशाह 4 होते हैं, तो ये शब्दों का खेल है पूरा। जब पूछे आपको कि काले बादशाह तब 2, आपको पूछे कि केवल बादशाह किसी भी कलर का हो चलेगा तब 4, आपको स्पेसिफिक बोल दे चिड़ी का बादशाह, हुक्म का बादशाह, ईंट का बादशाह, तब 1 बादशाह। ठीक है जी, ऐसे ही हुक्म की रानी, हुक्म की रानी सिर्फ एक होती है पूरे पत्तों में, तो अगर ये एक पत्ता आए तो ही आपका काम होगा। वो टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम तो 52 में से कुछ भी आ सकता है, तो इसकी प्रायिकता हो गई 1/52। ये देखो हमने पहले इसका बेसिक था, सब चीज़ें देखी पहले क्वेश्चन से, एक बार सब चीज़ों को वापस देख लो आप। ईंट का पत्ता आने की प्रायिकता, आपने कहा कि ईंट का पत्ते 13 होते हैं, 13/52। एक नंबर का पत्ता, आपने कहा नंबर के पत्ते 36 होते हैं, 36/52। फिर आएगी काले नंबर, काले नंबर का पत्ता काला होना चाहिए, नंबर वाला पता होना चाहिए, सिर्फ काला पत्ता की बात करता, काला पत्ता की बात करता तो 1/2 हो जाता, लेकिन काला और नंबर वाला भी चाहिए, तो 1 में 9 होते हैं, तो 2 में 18, 18/2 आपने कर दिया, 52 और उसमें 2 का भाग दिया तो 9/26। फिर मैंने कहा फेस वाला 3/13 कर दिया आपने, 12/52 कर दिया। फिर मैंने कहा लाल रंग का फेस होना चाहिए, तो आपने कहा 6/52 हो गया। फिर कहा कि इक्का ही होना चाहिए, तो 1/52 हो गया, 4/52 हो गया, इक्का तो 4 होते हैं। फिर कहा काले रंग का राजा चाहिए आपको, आपने कहा काले रंग का राजा चाहिए, तो इनका काले रंग के राजा 2 हो सकते हैं, तो 2/52 कर दिया, यानी 1/26 कर दिया आपने, या 2/52 किया ना, 1/26 इसका आंसर है, हुक्म की रानी एक ही होती हो गई 1/52। ठीक है, पहली बात इतनी सबके क्लियर हो गई, पत्तों से रिलेटेड पहले हमने डिस्कस किया, उससे सारे क्वेश्चन किए, तो अब सारे नॉर्मल क्वेश्चन आपके डिस्कस हो गए सारे। अब देखो 52 ताश के पत्तों के पैकेट में से एक पत्ता, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया फेस कार्ड। अब बार बार इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हो चुका कि फेस कार्ड जो टोटल होते हैं वो 36 होते हैं, फेस कार्ड पूछा तो फेस जो होते हैं टोटल 36 होते हैं, 36 होते हैं कुल मिला के, कोई लाल काला कोई स्पेसिफिक बोला नहीं है, और टोटल होते हैं 52, 4 का भाग दिया, 4 9 36 और 13, 3/13 इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, 52 ताश के पत्तों के एक पैकेट में से यादृच्छिक रूप से निकाला गया एक पत्ता, कलब की रानी या दिल का राजा। अब देखो क्या लिखा हुआ, एक जगह हिंदी लिख दी, एक जगह इंग्लिश लिख दिया, पर इस चीज़ को ही तो आपको समझना है, इस चीज़ को ही तो आपको समझना है, यहाँ बोला कलब, हिंदी में लिखा इंग्लिश, और यहाँ देखो पूरी हिंदी कर दी, फिर
हैट, हैट को बोलते हैं पान, पान को बोलते हैं हैट, यहां लिख दिया हैट का हिंदी कर दिया, हैट का हिंदी हो गया दिल, दिल, लेकिन बात चल रही है पान की, तो इसका मतलब समझना है पान, इसका मतलब समझना है चिड़ी, ये मतलब आपको खुद को समझना है, ठीक है। राजा का मतलब बादशाह, किंग, अगर इंग्लिश में बात करें तो किंग, या उस पे लिखा जो आता है वो के लिखा आता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 52 ताश के पत्तों के पैकेट में से यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जा रहा हूँ, तो पहले तो 52 पत्ते हैं ताश की गड्डी में, तो आपके जो आउटकम जो पॉसिबल है वो 52 है, ये तो टोटल जो परिणाम हो सकते हैं वो आ गए आपके, ठीक है, नीचे तो आपने 52 लिख दिया। फिर कह रहा है कि अब आपको क्या चाहिए, एक या तो क्लब की रानी, बताओ क्लब की कितनी रानियां होती हैं, क्लब चीड़ी की रानी तो पूरे पत्तों में एक ही होती है, एक, या तो ये आ जाए, या पान का राजा कितना होता है, पान के राजा भी एक ही होता है, ये दो पत्ते आ जाए तो अपना काम हो जाएगा, तो अपने फेवरेबल आउटकम कितने हैं, दो, तो ये क्या हो गया 1/26 इसकी प्रायिकता, क्या लिखा मैंने, चीड़ी की रानी एक होती है, पान का बादशाह जो होता है वो भी एक ही होता है, तो एक ये या एक ये दो पत्ते आ जाए टोटल 52 में से, टोटल 52 में से तो अपना काम, ठीक है, 1/26 इसकी प्रायिकता, 52 ताश के पत्तों में से इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता 10 या स्पेड, अब देखो इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता आपको है, निकाला पत्ता 10 नंबर का हो, 10 का मतलब है दहला हो, कहने का मतलब जिसको आप दहला बोलते हैं वो, ठीक है, जिसमें 10 लिखा हुआ हो वो हो, ये होगा तो भी चलेगा, या इसके साथ स्पेड, स्पेड का मतलब हुक्म, हुक्म, अगर दहला है तो भी काम सही है, तो भी हमारी हमारे को चाहिए, अगर हुक्म का पता आया तो भी ठीक है, दहला नहीं आई हुक्म का पता आ गया तो भी ठीक है। मैंने कहा दहला कितनी होती है टोटल, आपने कहा टोटल दहला 4 होती है, फिर उनका हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, आपने कहा हुक्म के पत्ते 13 होते हैं, फिर मैंने कहा दहला जिस दहला की आप बात कर रहे हो उसको आप लोगे, क्योंकि आपके पास टोटल आउटकम 52 है, तो या तो ये 4 आ जाए आपके पास या इन 13 में से आ जाए तो आपका काम हो जाएगा, आपने कहा ठीक है इतनी बात तो ठीक है पर कुछ गड़बड़ हो गई, फिर मैंने कहा क्या गड़बड़ हुई, आपने कहा जब यहाँ आपने चार दहला 4 काउंट करी तब तो ठीक है, लेकिन आप हुक्म का पत्ता काउंट किया तब दोनों जगह दहला हो गई ना, दोनों जगह दहला, दोनों जगह दहला काउंट हो गई, हो गई, एक ही पत्ता है दो बार काउंट कैसे कर सकता हूं मैं, जब आपने प्रॉपर जैसे मान लो कि ये ईंट का था, ये ईंट की दहला थी, ये पान की दहला थी, हुक्म का कैसा होता है साइन, मान लो ये हुक्म की दहला थी और ये चीड़ी की दहला थी, ठीक है, और यहाँ पे हुक्म के 13 पत्ते थे, हुक्म के 13 पत्ते थे, हुक्म के 13 पत्ते, आपने कहा दहला उठाना था, यहाँ भी दहला पड़ी है, आपने कहा दहला उठाना था, आपने इन तीनों की दहला उठा ली, ये भी उठा ली, 4 दहला आप ले गए, फिर मैंने कहा हुक्म के पत्ते भी उठाओ, तो आपके पास यहाँ जब यहाँ से दहला चली गई तो यहाँ 12 पत्ते ही तो बचे, 12 पत्ते ही, तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आपने दहला ले ली फिर हुक्म का लिया तो 13 हो गई, इसमें जो दहला थी वो हो गई दो बार काउंट, वो दो बार काउंट हो गई तो मेरे को एक बार हटाना पड़ेगा, दहला यहाँ भी आ गई मेरे यहाँ भी आ गई, तो एक ही पत्ता दो बार थोड़ी आ सकता है, तो एक पत्ता तो एक ही बार आ सकता है, जब पत्ता एक लेना था तो वो दो बार कैसे हो सकता है, दो बार कैसे काउंट हो सकता है, ठीक है, यहाँ क्या आ गया 13 4 17, 17 में से एक गया तो 16/52, आपने कहा 4 3 12, 4 चौक 16 और 13 चौक 52, 4 का भाग दिया तो 4 है, 4 चौक 16, 4 का भाग दिया तो 13 चौक 52, आपने कहा 4/13 इसकी प्रायिकता आ गई, इसकी क्या प्रायिकता है कि पता 10 या स्पेड हो, आपने कहा 4/13, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अब इतनी देर क्या बात थी, देखो 52 ताश के पत्तों के पैकेट से इधर से 52 ताश के पत्ते तो ठीक है, अब क्या हो रहा है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रेंडम प्रो में पेस ऑफ 52 कार्ड्स, दो ताश के पत्तों के एक पैकेट में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कार्ड या तो लाल कार्ड है या राजा है, ठीक है जी, या तो लाल कार्ड है या राजा है, फिर ये बताना है, ये 52 ही है, यहाँ पे गलत लिखा, 52 ताश के पत्तों के एक पैकेट से, या दो ताश के पत्ते नहीं है, 52 है, 52 ताश के पत्तों का एक पैकेट, एक पैकेट में 52 पत्ते ही तो होते हैं, ये लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है, कितने पत्ते निकाल रहे हैं, एक पत्ता निकाला जा रहा है, क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कार्ड या तो लाल कार्ड है,
बताओ लाल कार्ड निकालूंगा मैं तो लाल कार्ड कितने होते हैं टोटल? 26 होते हैं, ठीक है। या फिर वो राजा या हो किंग यानी बादशाह, बादशाह कितने होते हैं? 4। अब मैंने कहा कि 26 में से मैंने ले लिया तो भी मैं ठीक है बात, और ये जो 4 बादशाह है ये ले लिया तो भी ठीक है बात, फिर ठीक क्या नहीं है? फिर ठीक ये नहीं है कि जब 4 आपने बादशाह यहाँ लिए तो ऑलरेडी 2 बादशाह तो ले चुके ना आप, यहाँ पे जब लाल लिया तो यहाँ ईंट और पान का बादशाह आप ले चुके, तो यहाँ 4 नहीं 2 ही आएंगे, तो 2 वापस माइनस करो। जो बादशाह यहाँ आप ले चुके ना वो बादशाह आप वापस माइनस करो, और बटे 52, बटे 52 26 से 4 30, 30 में से 2 गए तो 28 बटे 52, 4 से काटा 7, 4 से 13, इसकी प्रैक्ट आ गई 7 उठ। पहले वाली बात है, जब देला एक बार काउंट एक्स्ट्रा हो रही थी तो हमने क्या किया, बाद में वापस हटा दिया एक। या जब बादशाह ऑलरेडी यहाँ पे 2 ले चुके तो यहाँ 4 बादशाह क्यों? आप ये मान सकते थे 26 पत्ते ले लिए उनमें 2 बादशाह गए, अब 2 ही बादशाह बचे, 28 बटे 52 ऐसे लिख लेते सीधा। आप लिखते हैं ये 26 पत्ते लिए ठीक है, अब इसमें 2 बादशाह भी आ गए, मेरे को बादशाह भी लेना है, 2 बादशाह तो ऑलरेडी आ गए, अब 2 ही आएंगे वहां से, तो 26 और 2 28 बटे 52 सेम चीज आ जाती, 7/13 ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट, ताश की 52 52 पत्तों की एक गड्डी में से, 52 पत्तों की एक गड्डी में से, कि एक गड्डी में से ऐसा लिखा हुआ है ठीक है। काले रंग के राजा और रानी निकाल ले जाते हैं, शेष अच्छी तरह से फेंटी गई। अब क्या बोल रहा है इसमें देखो, काले रंग का जो राजा है और रानी उनको निकाल दिया, उनको निकाल दिया, शेष अच्छी तरह से फेंटी गई पत्तों में से एक पत्ता निकाल, अच्छी तरह से फेंटी हुई का मतलब समझते हो, ऐसे की हुई ताकि हमें पता ना रहे कि कौन सा पत्ता कहाँ पे, अगर अच्छी तरह से फेंट कर दिया तो ठीक है। स्पेड प्राप्त करने की, स्पेड यानी आप कहोगे हुक्म, आप कहोगे राजा रानी की कोई बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है बादशाह और बेगम निकाल दिया, बादशाह और बेगम निकाल दिए, कौन से? ब्लैक वाले, काले वाले, काले वाले ठीक है, ये बात बोली जा रही है ठीक है। अब कह रहा है कि अब जो बाकी बचे पत्ते हैं उनमें से मेरे जो पत्ता उठाऊं तो हुक्म का पत्ता आना चाहिए, स्पेड कार्ड प्राप्त, स्पेड कार्ड मतलब हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता ठीक है। ठीक है जी, मैं बात को एक बार वापस समझाता हूँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 52 पत्ते मेरे पास थे ठीक थे, अब मैंने क्या किया, उनमें से चीड़ी की बेगम और हुक्म की बेगम, चिड़ी का बादशाह और हुक्म का बादशाह, यही हुआ ना, काले काले जो पत्ते हैं उनका राजा और रानी निकाल दिया, काले रंग का राजा, काले रंग के राजा कौन कौन से होते हैं? एक तो चिड़ी का बादशाह और एक हुक्म का बादशाह, वो दोनों निकाल दिए मैंने, और काले रंग की बेगम भी निकाल दी मैंने, चिड़ी की बेगम भी निकाल दी और हुक्म की बेगम भी निकाल दी, क्या निकाल दिया मैंने? 4 पत्ते इसमें से निकाल दिए, निकाले चिड़ी की बेगम हुकुम की बेगम चीड़ी का बादशाह, भाई राजा लिखा हो मतलब बादशाह, रानी लिखा मतलब बेगम, और हुकुम का बादशाह, ये मैंने निकाल दिए। अब बताओ ये 4 पत्ते मैंने निकाल दिए और टोटल थे 52 पत्ते, मेरे पास पत्ते कितने बचे? 52 माइनस 4 = 48 पत्ते बचे। अब मैं कोई उठाऊंगा तो उन 48 में से तो आएगा, जो पत्ते मैंने साइड में रख दिए, 4 पत्ते मैंने निकाले ये साइड में रख दिए, अब मेरे पास कितने पत्ते बचे? अब मेरे पास 48 पत्ते बचे। अब मैं जो उठाऊंगा वो तो मेरे 48 में से ही तो आएगा, जो 4 हटा दिए उनमें से थोड़ी आएगा। अब मेरे पास टोटल परिणाम कितने पॉसिबल है? आप कहोगे कि अब 48 परिणाम पॉसिबल है, इन 48 में से कुछ भी आ सकता है, ये बात। तो ये टोटल आउटकम जो हुए की बार, टोटल आउटकम क्या हो गए? यही जो है ना 48, ये है टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। तो इनको तो लिख दूंगा टोटल आउटकम को तो नीचे 48, मेरे को चाहिए क्या? मेरे को चाहिए हुक्म का पत्ता। अब बताओ क्या करूंगा यहाँ पे, क्या 13/48 लिख दूं कि हुक्म के पत्ते जो होते हैं वो 13 होते हैं बटा 48,
क्या 13/48 लिख दूं, क्या ये सही माना जाएगा? आप कहोगे नहीं, सही नहीं माना जाएगा। मैं कहूँगा क्यों, हुक्म के पत्ते तो 13 ही होते हैं। आप कहोगे ये बात आपकी ठीक है, हुक्म के पत्ते 13 होते हैं, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ देखो बेगम और बादशाह जो है ना, हुक्म का बेगम और बादशाह तो निकल चुके। तो जब हुक्म के बेगम बादशाह निकल चुके, टोटल 13 पत्ते थे, दो निकल चुके, तो अब हुक्म की 11 पत्ते हैं हमारे पास। हमारे पास हुक्म का बादशाह और बेगम है ही नहीं, 13 थे टोटल, उसमें हुक्म का बादशाह बेगम है ही नहीं। अब हमारे पास 11 पत्ते, तो जो हमारे पास है उनमें से ही तो आएगा कुछ, जो साइड में रख दिया। मेरे पॉसिबल है क्या मेरे पास अब हुक्म की बेगम आ जाए? पॉसिबल है क्या मेरे पास हुक्म का बादशाह आ जाए? जो मैंने साइड में रख दिया वहाँ से लेना ही नहीं है मेरे को, तो इसी गड्डी में से लेना है, तो वो दो आ ही नहीं सकते, तो वो दो पत्ते मेरे पास है ही नहीं। इसका मतलब मेरे को उन 11 में से ही लेना है। तो क्या प्रायिकता हो गई? 11/48 प्रायिकता हो गई, 11/48। ठीक है, प्रायिकता क्या है कि 52 ताश के पत्तों के एक पैक से निकाला गया पत्ता। अभी देखो नाम, देखो आप, हीरा होगा, हीरा होगा, हीरा मतलब डायमंड, डायमंड मतलब ईंट का होगा, ईंट का, या फिर राजा होगा। राजा मतलब मैंने कहा किंग, किंग यानी बादशाह, ठीक है, आपने कहा ये बात है। कि 52 पत्ते थे टोटल, तो मेरे पास टोटल परिणाम तो 52 आ सकते हैं, कोई अलग निकाला नहीं है तो टोटल परिणाम 52 हो सकते हैं। एक पत्ता मेरे को निकालना है, तो कह रहा है कि या तो वो हीरा हो, हीरा मतलब मैंने कहा ईंट हो, ईंट के पत्ते कितने होते हैं? आपने कहा ईंट के पत्ते 13 होते हैं, या फिर वो राजा हो। फिर सेम बात आ गई, आपने कहा राजा वैसे होते तो 4 हैं, पर एक राजा ईंट में भी तो काउंट हो गया, तो मैं 4 ना लेके 3 ही लूँगा। सेम बात आ गई भाई, ईंट के पत्ते पहले मैंने 13 अलग किए, 13 जब मैंने ईंट के पत्ते अलग किए तो एक बादशाह भी चला गया उसमें। अब बादशाह चाहिए मेरे को, तो अब मेरे पास 3 ही बादशाह है, तो 13 तो पत्ते ये, 3 पत्ते वो, तो 16 पत्ते अगर इन पत्तों में से मेरे आ जाए तो प्रायिकता 16/52। 4 से काटा, 4 चौक 16 और 13 चौक 52, 4/13। ठीक, 52 पत्तों की एक गड्डी में से दो निकाले जाते हैं, दो पत्ते। अब देखो दो पत्ते निकाले जा रहे हैं, अब एक नहीं, अब जो पत्ते निकाले जा रहे हैं वो दो, दो वाले की चीजें आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी, दो वाले की चीजें थोड़ी समझनी पड़ेगी। दो वाली कैसे? एक पत्ता निकाल रहे थे कोई दिक्कत नहीं थी, हम तुरंत निकाल लेते थे। दो निकालते हैं ना तब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज करना होता है, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं बिना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, लेकिन एक हम ले लेंगे कि हमें परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसमें परम्यूटेशन भी नहीं होता। तो जब एक से ज़्यादा पत्ते निकालेंगे तो हम कॉम्बिनेशन से यूज करेंगे, क्योंकि ऐसे निकालेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो अगर कॉम्बिनेशन से यूज करेंगे तो ईजी रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी एक पत्ता निकाले कोई बात नहीं, बोल भी हो, एक बोल कहीं से चुननी हो कोई दिक्कत नहीं है, एक से ज़्यादा की बात आएगी तब कॉम्बिनेशन यूज करना है। एक से ज़्यादा चाहे 2, 3, 4, 5 कितनी भी हो, तब कॉम्बिनेशन का यूज करना है। अब यहाँ पे आ गया एक दो पत्ते, दो आते ही कॉम्बिनेशन का यूज करना है। ठीक हो, देखो कैसे, बिना कॉम्बिनेशन भी हो सकता है क्वेश्चन, पर कॉम्बिनेशन एक आपने फिक्स कर लिया कि हमें कॉम्बिनेशन यूज करना है। अब जो भी क्वेश्चन एक से ज़्यादा निकालेगा उसमें कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, तो एक तरीका हो गया कि हम कॉम्बिनेशन ही यूज करेंगे। संभावना है कि दो कार्डों में से एक कार्ड लाल हो और एक कार्ड काला हो। ठीक है जी, एक कार्ड तो लाल होना चाहिए, एंड देखो और होने का मतलब एंड, और एक होना चाहिए ब्लैक, एक होना चाहिए ब्लैक, एक कार्ड होना चाहिए लाल। अब ऐसे नहीं रख सकते कि 2/52 कर दिया कुछ, अब एक से ज्यादा निकालते हैं तो ये चीज समझने वाली है, ये चीज समझने वाली है। और ये मैंने पहले भी बता रखा आपको कि क्या होता है, मैंने पहले बता रखा है कि एन में से आर वस्तुएं चुनने के तरीके क्या होते हैं, आर वस्तुएं चुनने के तरीके, चुनने के तरीके, चुनने मतलब सिलेक्शन। मैं कहूंगा कि हम जो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के नाम का टॉपिक जो है उसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आप कहोगे पढ़ चुके हैं, जिन्होंने क्लास नहीं ली मैं उनको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मेनली वो सिलेबस में है ही आपके, एक क्वेश्चन तो वहाँ से आना ही आना है। जाके वो क्लासेज जरूर देखें, उनको समझें और देखें कि कैसे होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज, क्योंकि अगर वो आपको आएगा तभी तो ये चीज़ सीख पाओगे यहाँ पे। हालांकि वो अपने आप में अलग टॉपिक है, तो थोड़ा उच्च लेवल तक गया हुआ है,
उसमें इतना ज्यादा यहाँ पे उतना ज्यादा यूज नहीं है उस चीज का, पर कम से कम वो सीखोगे तभी तो ये चीजें सीख पाओगे आप कॉम्बिनेशन क्या है। अगर आपने वो देखी है तो मेरे को भी बताने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी ये मानता हूँ कि कई लोगों ने वो नहीं देखी क्लास, इसलिए मैं एक बार कॉम्बिनेशन को वापस बता रहा हूँ। ठीक है, एन में से आर वस्तुएं चुनने के तरीके होते हैं एन सी आर। मैंने कहा कॉम्बिनेशन की सिलेक्शन की बात करनी है, सिलेक्शन की बात करनी है तब कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, और अगर यहाँ पे अरेंजमेंट की बात करनी होती तब परम्यूटेशन यूज करते हैं, तब परम्यूटेशन यूज करते हैं, लेकिन यहाँ चुनने का तरीका, चुनना मतलब सिलेक्शन, तब एन सी आर। ये एन सी आर क्या होता है? ये होता है एन फैक्टोरियल बटा आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है एन सी आर। ठीक है, ये होता है एन सी आर। देखो थोड़ा और समझा देता हूँ मैं चीज़ें। एन में से आर वस्तुओं को चुनने के तरीके वो होता है एन सी आर। एन सी आर का क्या मतलब होता है? फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे मैंने कहा 10 है, 10 में से 5 चीजों का चयन करना है, से 5 वस्तुओं का चयन करना है, चयन आप कहोगे 10 में से 5 लेना, 10C5, एन की जगह 10 फैक्टोरियल, आर की जगह 5 फैक्टोरियल और एन माइनस आर 10 माइनस 5 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल बटा 5 फैक्टोरियल गुणा 5 फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या चीज़ है? फैक्टोरियल ये चीज़ है किसी भी संख्या के आगे फैक्टोरियल लगने का मतलब है कि उस संख्या को गुणा करते जाना है जब तक एक ना आ जाए, उस संख्या को गुणा करते जाना है जब तक एक ना आ जाए। ठीक है, घटते क्रम में गुणा करते जाना है। 5 था, 5 को 4 से, 4 को 3 से, 3 को 2 से, हालांकि मैं करा चुका इसलिए उस पर ज़्यादा डिस्कशन में करना नहीं चाह रहा, क्योंकि जिस चीज़ पे ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका उस पर मैं कम करना डिस्कशन, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है देखो, आपको 10 गुणा, अब 10 को लिखते जाना है ऐसे जब तक एक ना आ जाए। पहले मैं ये तरीका बता देता हूँ, उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ कि शॉर्ट में कैसे लिखना होता है। 5 को भी ऐसे लिखोगे, 5 4 3 2 1 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट लो, इससे ये कट गया। ठीक है, अब जो और कट रहा है उनको काट लो, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, क्या क्या बचा आपके? 3 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 6, इसको गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 6 को 7 से गुणा किया तो 42, 42 को 6 से गुणा करो, 6 दूनी 12, 1 24 और 1 25, कितने आ गए? 252, 252 आ गए यहाँ पे। ऐसे आप बता रहे थे कि ट्रिक भी बता दूंगा मैं, तो देखो ट्रिक क्या थी। ट्रिक कुछ नहीं, इसको सोल्व करने का दूसरा तरीका है ये। आपके पास लिखा था 10C5, तो मैंने कहा था तो 10 है ना, उसको सिर्फ 5 बार ही पीछे करना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार कर लिया बस, और नीचे वाले का फैक्टोरियल खोल देना है, फैक्टोरियल मतलब 1 तक गुणा करते जाना है बस। अब इसको काट लो, कंपेरेटिवली देखो ये इतना बड़ा हो रहा था, यहाँ पे हो गया छोटा, 5 दूनी 10 काट दिया, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 गुणा 7 गुणा 6, ये यहाँ पे आ रहा था, ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी आ जाएगा 252। यह था इसको करने का तरीका, एन में से आर वस्तु को चयन करने का तरीका होता है एन सी आर, ये बात है। अब देखो एक प्रायिकता के क्वेश्चन भी लेके देख लेते इस एग्जाम्पल को। जैसे 52 पत्ते हैं आपके ताश की गड्डी में, 52 पत्ते हैं, दो पत्ते निकालने हैं आपको, दो पत्ते निकालने हैं, निकालने है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए इस चीज की। प्रायिकता, तो प्रायिकता क्या होती है? पहले एक प्रायिकता बोला मैंने कि यहाँ पे आएंगे, ऊपर आएंगे फेवरेबल आउटकम, जो हमें चाहिए वो आउटकम, फेवरेबल आउटकम आउटकम, और नीचे हो जाएंगे टोटल आउटकम। टोटल आउटकम मतलब टोटल कितने तरीकों से उसको निकाला जा सकता है, टोटल आउटकम। अब यहाँ क्या होगा, जैसे 52 पत्ते हैं और मेरे को निकालने दो पत्ते, दो पत्ते निकालने, तो मैं 52 में 52 पत्तों में से दो पत्ते कैसे निकाल सकता हूँ? वैसे मैंने कहा अभी एन वस्तुओं में से आर वस्तुएं चुनना है मेरे को, ऐसे 52 पत्तों में से मेरे को दो वस्तुएं चुनना है, दो पत्ते चुनना है,
तो मैं 52C2 तरीकों से मैं उनको निकाल सकता हूँ। तो ये तो टोटल जो आउटकम है वो आपका है 52C2, मतलब 52C2 तरीके हैं उन दो पत्तों को निकालने के। लेकिन फेवरेबल थोड़ी है सारे अपने अपने लिए, सारे फेवरेबल थोड़ी है, ये तो टोटल आउटकम है अपने लिए। फेवरेबल आउटकम तो ये है। अब दो पत्ते कौन से, ये भी लिख लो साथ में, दो पत्ते चीड़ी के, चीड़ी के तभी तो होगा। दो पत्ते निकालने के तो तरीके, तो दो पत्ते निकालने के तरीके तो 52C2 हो गए, लेकिन अब दो पत्ते चीड़ी के निकालने, इसकी प्रायिकता आपको बतानी है। आपको सिर्फ इतना बोले कि दो पत्ते निकालने के तरीके कितने, तो 52C2 आ गया, ये आ गए टोटल आउटकम, आ गए 52C2। अब बोले चीड़ी के पत्ते, तो आपका लिए जो फेवरेबल आउटकम है ना वो चीड़ी का पत्ता है, यानी जो दोनों पत्ते होने चाहिए चीड़ी के होने चाहिए, चीड़ी के पत्ते, ये आपका फेवरेबल आउटकम है। तो आपने कहा टोटल टोटल आउटकम तो 52C2, इतने तरीकों से मैं निकाल सकता हूँ। मेरे लिए फेवरेबल ये है कि चीड़ी के पत्ते आने चाहिए। तो चीड़ी के पत्ते कितने होते हैं टोटल, चीड़ी के होते हैं 13। यानी जब मैं इन 13 में से निकालू ना, 13 में से निकालू तो ही मेरा फेवरेबल आउटकम होगा। तो आपने कह दिया कि टोटल तरीके ये होते हैं, और ये अगर चीड़ी का चाहिए तो वो जो चीड़ी के 13 है उनमें से मैं दो निकालू तो मेरा फेवरेबल आउटकम होगा। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, दो पत्ते चीड़ी के निकालने की प्रायिकता हो जाएगी 13C2/52C2। ठीक है, ये तरीके होते हैं प्रायिकता वैसे निकालते हैं हम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब इसको सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करोगे, वही मैंने कहा था 13 जो है नीचे 2 है, तो 13 को एक और दो बार लिख लो बस, इससे ज़्यादा नहीं। और नीचे 2 है तो 2 का तो फैक्टोरियल करना है, 2 गुणा 1। 52 को भी ऐसे 52 गुणा 51, और नीचे 2 है तो 2 गुणा 1। वैसे दोनों जगह 2 था तो मैं दोनों को 2 बार काट सकता था, लेकिन 2 बार काटने के बाद ये नहीं भूलता कि मैं 12 और 51 नहीं लिखूँ, ये मेरे को लिखना ही था। जैसे मैंने कहा कि काट दिया तो मैं 13/52 सीधा लिख दूँ, ये फिर मेरा गलत हो जाएगा। अब इसका जो भी सॉल्यूशन होगा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही तो हम क्वेश्चन करने वाले हैं आगे। देखो ये था अब आपके पास, मैंने चीज़ समझा दी एनसीआर क्या होता है, अब इस क्वेश्चन को उसके हिसाब से करेंगे। आपको चाहिए एक कार्ड, एक तो होना चाहिए लाल, एक कार्ड होना चाहिए आपका रेड, और एक होना चाहिए काला। ठीक है, अब मैंने कहा 52 पत्ते हैं, 52 में से दो निकालने हैं, तो टोटल आउटकम तो क्या हो गए, 52C2। ये तो हो गए टोटल, भाई इतने तरीकों से मैं निकाल सकता हूँ, तो टोटल तरीके हो गए ये निकालने के। लेकिन मेरे लिए फेवरेबल थोड़ी है सारे के सारे, मेरे लिए तो फेवरेबल वही है जो या तो लाल आए या काला आए। अब लाल पत्ते कितने होते हैं, लाल या लाल 26 पत्ते होते हैं, और काले कितने होते हैं, वो भी 26 पत्ते होते हैं, और दो निकालने, तो एक तो होना चाहिए लाल, तो मेरे को इन 26 में से एक लेना है, तब मेरा काम हो जाएगा, 26 में से एक लेना है। ठीक है, और एक होना चाहिए काला, और जो दूसरा है वो होना चाहिए 26C1, वो भी काला होना चाहिए। तो ये लाल हुआ, मतलब 26 में से एक ले लिया, एक लेना है काला, तो बाकी जो 26 बचे उनमें से एक ले लिया, ये लाल वाले 26 में से एक ले लिया, ये काले वाले 26 में से एक ले लिया। और बीच में कह रहा है, और मैंने कल समझाया था कि दो इंडिपेंडेंट घटनाएं हो और बीच में एंड हो तो और उनको गुणा करेंगे, और या हो तो उनको जोड़ेंगे, या और की बात चल रही है इसलिए उनको दोनों को गुणा कर दिए, क्योंकि हमें ये दोनों ही घटनाएं चाहिए, लाल भी होना चाहिए और काला भी होना चाहिए, दोनों चाहिए इसलिए गुणा कर दिया। अगर दोनों में से एक चाहिए होती तब प्लस करते बीच में। तो मैंने कल समझाया था कि या आए तो प्लस करना, एंड आए तो गुणा करना है। बस अब इसको सोल्व कर लो। अब किसी भी संख्या का ये देखो, NC1 जो है वो एन ही होता है, जैसे यहाँ 26C1 है तो वो 26 ही होगा, 26C1 है 26 ही होगा, बटा 52C2, मैंने कहा 52C2 नीचे 2 है, 2 बार लिखना है इसको, 52 गुणा 51, और नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 गुणा 1, 2 गुणा 1। ठीक है जी, अब जो कट रहा है उसको काट लो, 26 दूना 52, 2 से 2 कट गया, 1 से कोई मतलब रहा नहीं, बचा आपके 26/51। तो इसकी प्रायिकता हो गई 26/51, 26/51 इसकी प्रायिकता हो गई, ऐसे इसको सॉल्व करना था। अब देखो इसके साथ में एक चीज और बताता हूँ आपको, एक काम की चीज और बताता हूँ। जैसे मान लो 20 बॉल है, 20 बॉल में से 15 बॉल या 17 बॉल लिखो, 17 बॉल चुनने के तरीके, चुनने के तरीके कितने होंगे, सिर्फ तरीकों की बात की है, मैं प्रायिकता नहीं पूछ रहा, यहाँ सिर्फ तरीकों की बात करी है, क्योंकि मैं पहले एनसीआर वाला कॉन्सेप्ट ढंग से बताना चाह रहा हूँ। 20 में से, हालांकि ये हम पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए है, जो पढ़ चुके हैं उनको तो ये आता ही है। आपने कहा 20 में से 17 और चुनना है, इसलिए कॉम्बिनेशन लूंगा 20C17। अब क्या करें, अब आपने बताया कि ये जो है ना 17, इसको 20 वाले को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे 17 बार लिखना है, 17, 18,
17 16, मतलब 17 बार तक लिखना है मेरे को, 17 16 15 14 13 12 11, ऐसे लिखता लिखता गया मैं, 17 बार होने चाहिए। और नीचे फिर मैं 17 का फैक्टोरियल ओपन करूँगा, 17 गुणा 16 गुणा 15, ऐसे करते करते 1 तक। तो क्या सर ये बड़ा नहीं हो जाएगा? मैं इनका बड़ा हो जाएगा, इसीलिए तो मैं दूसरी वाली चीज़ बता रहा हूँ। ये देखो दूसरी वाली, इसी को आप लिख सकते हो, ये है 20 सी 17, ये 17 है और टोटल योग है, ये टोटल कितना है 20, तो 20 में से 17 गए तो 3, इसी को लिख दो 20 सी 3, ये दोनों बराबर है, सोल्व करके देख सकते हो। 20 सी 17 जो है ना, 20 सी 17 इज इक्वल टू 20 सी 3 है, ये बराबर होते हैं। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम बहुत ढंग से पढ़ा है इन चीज़ों को, तो जिन्होंने नहीं देखी वो क्लास जरूर जाके देखें, ठीक है। बाकी मैंने समझा दिया, कहने का मतलब आग लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, एन सी आर जो है वो एन सी एन माइनस आर होता है, एन सी एन माइनस आर होता है, ठीक है, ये बात है। जैसे एग्जाम्पल, अगर छोटा एग्जाम्पल लेके मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूँ, 7 सी 3 है, तो आपने कहा 7 को 1 2 3 बार लिखना है, नीचे 3 का फैक्टोरियल ओपन करना है, इसको सोल्व कर लिया, ये आ गया 35। ये आपके हिसाब से 7 सी 3 है, 3 7 में से 3 गए तो 4, 7 सी 4 के इक्वल होना चाहिए, देख करके देखो, इसको 4 बार लिखना है, 7 1 2 3 और 4, नीचे 4 का फैक्टोरियल ओपन करना है, 4 3 2 1, जो कट रहा है उसको काट दो, 4 से 4 कट गया, 3 दूनी 6 35 आ गया, दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल है ना, 7 सी 3 और 7 सी 4। तो जब भी ऐसे बड़ी लिखी हुई आएगी जिसको कैलकुलेट करना मुश्किल है, तो वहाँ पे उसको छोटी में बदल लेंगे। 15 सी 12 लिखा हुआ है तो 15 सी 12 नहीं सोल्व करेंगे, 15 सी 3 सोल्व करेंगे, ठीक है। कहीं पे लिखा है 15 सी 12, ये हो जाएगा 15 सी 12, 15 में से 12 गया तो 3, 15 सी 3। 10 सी 8, ये हो जाएगा 10 सी 2, ठीक है। तो ऐसे ही इसको सोल्व करना है। चलो देखो आगे, बावन कार्ड के एक पैक से 3 कार्ड अनियमित रूप से एक साथ तैयार किए जाते हैं। अब देखो 3 पत्ते निकाले जा रहे हैं, अब तो मैंने कहा तीन, एक से ज़्यादा निकालो कॉम्बिनेशन लगाओ, एक से ज़्यादा निकालो कॉम्बिनेशन का यूज़ करो। तो कह रहा है कि सभी कार्ड का राजा होने की क्या प्रायिकता है? जो भी पत्ते निकालो वो मेरे बादशाह होने चाहिए, वो बादशाह होने चाहिए, सभी के सभी जो होने चाहिए वो बादशाह होने चाहिए, सभी पत्ते जो है ना वो बादशाह होने चाहिए, ठीक है। देखो क्या करोगे, आपने कहा कि 52 पत्ते हैं, 52 में से 3 निकालना है, तो टोटल तरीके तो ये हो सकते हैं 52 सी 3, 52 में से 3 पत्ते निकालने के टोटल तरीके हो सकते हैं 52 सी 3, ठीक है। लेकिन मेरे को ये टोटल, तो टोटल आउटकम है, मेरे को तो चाहिए जो भी निकालूं मैं बादशाह हूँ। आपने कहा बादशाह तो होते हैं 4 52 में, ठीक है जी, 4 होते हैं, तो इन 4 में से कोई 3 निकल जाए तब मेरा काम हो जाए, तो ये आपके फेवरेबल आउटकम हो गए। आपको चाहिए बादशाह, बादशाह होते हैं 4, उनमें से 3 आ जाए वो आपको चाहिए, और टोटल तरीके हो सकते हैं 52 सी 3, ये इसकी प्रायिकता हो गई। अब इसको सोल्व करो। अभी मैंने एक चीज़ बताई कि एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर होता है, एन सी एन माइनस आर। अब आप 4 सी 3 जो है इसको 4 सी 1 लिख सकते हो, यहाँ 3 है, 4 माइनस 3 बराबर 1, 4 सी 1, तो यहाँ लिख दो 4 सी 1, और नीचे लिख दो 52 गुणा, पूरा नहीं लिखना कुछ की भाई 52 को करते जाए, मैंने कहा नीचे कितना लिखा है 3, तो 1 52 51 और 50, बस 3 ही बार लिखना है इसको नीचे, क्योंकि 3 लिखा है इसलिए 3 ही बार लिखना है, और नीचे वाले का फैक्टोरियल ओपन करना है, 3 का फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 गुणा 2 गुणा 1। अब अभी एक चीज़ और मैंने बताई कि एन सी वन जो होता है ना वो एन ही होता है, तो 4 सी 1 तो 4 ही हो गया, 4 सी 1 तो 4 हो गया, ठीक है 4 हो गया। अब जो कट रहा है उनको काट दो, देखो 3 से कट रहा है ये 17 बार, 3 से कट गया 17 बार, 4 से कट रहा है ये 13 बार, 2 से कट रहा है ये 25 बार, नीचे क्या आ गया गुणा में 1/13 × 17 × 25, इनको गुणा कर लो आपस में, 17 को 13 से किया तो 17 51, 1 आया 5, 17 और 5 22, 221, 221 को गुणा करना है 25 से, ठीक है, 25 एकम 25 का 5, हासिल की 2, 25 × 50 और 2, 52 का 2, हासिल की 5, 25 × 50, 50 और 5 55, और ये आ गया 1/, ये 1/ में था सारा का सारा, जो भी था ये बटे में था, 1 के, ये आ गया 1/55 25, 1/55 25 बी आंसर हो जाएगा।
आप कहोगे इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, है, लेकिन मैंने कहा कि ऐसे क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन से ही करने हैं, हमें एक ही तरीका लगाना है हर क्वेश्चन के लिए। फिर दूसरा वाला करोगे तो बार बार चेंज करते रहोगे। जैसे दूसरा वाला मैं अगर यहाँ बताना चाहूँ तो आप ऐसे कर सकते हो, दूसरा वाला बताऊँ तो आप ऐसे कर सकते हो कि तीन घटनाएं गठित करवानी है आपको। पहला पत्ता उठाया, बादशाह आना चाहिए। दूसरा पत्ता उठाया, बादशाह आना चाहिए। तीसरा पत्ता उठाया, बादशाह आना चाहिए। तो ये बातें एक चीज याद रखो कि जो तीन पत्ते उठा रहा हूं मैं, जब पहला पत्ता उठाया तो अब मेरे पास पत्ते कितने बचते हैं? फिर जैसे 52 पत्ते थे, मैंने पहला उठा लिया, अब मेरे पास 51 ही पत्ते हैं। तो अब जो भी उठाऊंगा मैं उन 51 में से उठाऊंगा, और तीनों घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, और तीनों घटनाएं मेरे लिए होनी चाहिए। इसका मतलब तीनों घटनाओं को गुणा करना है, यानी जब मैंने पहला पत्ता उठाया वो बादशाह आना चाहिए। वो बादशाह आने की क्या प्रायिकता है? 1:4, यानी पहला पत्ता उठाया तो कितनी प्रायिकता है? 4 बादशाह 52 में से आना चाहिए। दूसरा पत्ता उठाया तो मेरे पास अब 3 ही बादशाह है, एक एक बादशाह तो पहले आ चुका और पत्ते अभी 51 ही बचे हैं। तीसरा बादशाह उठाऊँ तो 2 ही बादशाह है और पत्ते 50 है। इनको सॉल्व कर लो, 13 चौक 52, 1/17, 3/25। 13 × 17 × 25 ही आया था, यही 13 × 17/25 है, और 13 × 17/25 है, तो कितने आ गए? 225। ये कितने तरीके हो गए? 55 25, 55 25 तरीके हो गए। और अपने को लिखना है 1/2 में, इनको 1/2 में लिखना है, ठीक है? ये 1/2 में लिखना है क्योंकि 13, 17 और 25 यहाँ आ गए ना। देखो इसको लिखोगे आप 1/13 × 17 × 25, यही तो आ रहा है, यहाँ पे भी यही आ रहा है, वहाँ पे भी यही आ रहा है, और यहाँ पे भी यही आ रहा है। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना है, दोनों तरीके आपने सीख लिए। मैं चाह रहा था कि कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन सबके बाद में ले लेंगे, पर थोड़ी बहुत हिंट देने के लिए हमने कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन यहाँ पे ले लिए। अब अगर आगे और क्वेश्चन आएंगे तो उनमें और कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, आपको थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा। देखो अब नेक्स्ट, ताश 52 ताश के पत्तों में एक पैकेट में से 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं। देखो यहाँ भी क्या, कितने निकाले जा रहे हैं? 2। मैंने कहा दो दो निकालने जा रहे हैं तो संभावना है कि मेरे को कॉम्बिनेशन यूज करना पड़े, एक से ज्यादा पत्ते जब निकाले जाते हैं। तो कह रहा है वो या तो दोनों के लाल होने या दोनों के राजा होने की प्रायिकता क्या है? दोनों हो तो लाल हो, देखो दोनों हो तो लाल हो, या फिर दोनों राजा हो, ये क्या प्रायिकता है ये बतानी है आपको। तो आपने कहा 52 में से 2 पत्ते निकालने हैं, तो सबसे पहले तो नीचे तो लिख ही लेता हूँ मैं 52C2, ये तो मेरे टोटल आउटकम है, इतने आउटकम हो सकते हैं, ठीक है जी, इतने आउटकम हो सकते हैं। फिर कहा कि या तो दोनों लाल हो, अब यहाँ पे या वाला चिन्ह है ना, इसका मतलब समझना, या आने का क्या मतलब होता है कि अब जो भी है उनको ऐड करना है, गुणा नहीं करना। मतलब या तो जो दोनों पत्ते हो ना लाल हो, अब लाल आने की, लाल मेरे पास 26 पत्ते हैं, अगर इन दोनों में से 2 आ जाएगा तो वो लाल हो जाएगा, या फिर दोनों राजा हो, प्लस का चिन्ह लगाऊंगा। राजा कितने मेरे पास? 4 राजा है, तो इन 4 में से 2 आ गया तो भी काम हो जाएगा। लेकिन एक चीज भूल गए आप, क्या भूल गए सर? कि जब मैंने 2 लाल लिए तो 2 राजा मैंने उनमें ले लिए, तो वो जब 2 लाल लिए वो 2 राजा मेरे को नहीं लेने, बाकी काम हो गया, ठीक है। 26C2 को कैसे सॉल्व करोगे? 26 × 25/2 × 1, 4C2 को 4 × 3/2 × 1। अब मैंने एक बात तो बताई थी आपको कि NC1 = N होता है, ये मैंने एक बार और लिख लो कि NC(n) = (n) होता है, ठीक है। 2C2 कितना हो जाएगा? 1 NC(n) = 1 होता है, NC(n) = 1 होता है 2C2, क्योंकि देखो 2C2 को कैसे लिखोगे? (factorial 2)/(factorial 2) और 0 factorial, तो ये एक ही हो गया ना, तो NC(n) जो है वो 1 होता है। तो यहाँ पे हो गया 1/52 × 51/2 × 1, ठीक है। अब जो कट रहा है उनको काट लो, यहाँ से 13, यहाँ से 2, यहाँ से 26, तो नीचे आ जाएगा 26 × 51, और यहाँ क्या आ गया? 13 को 25 से गुणा किया, 13 × 5 = 65, 6 लिखा आपने, 13 × 26 = 6, 32, प्लस 3 × 6 − 1, 325 और 6 331, 31 में से एक गया तो 330 × 26 × 51, आपने कहा 3 से काटो 110, नीचे 17 * 3 = 51, आपने कहा 2 से काटो 55, नीचे 13, तो आपने कहा ऊपर 55 नीचे 17 × 13 कितना होता है? 221, फिर मेरे को तो ऊपर वाले से मतलब है, तो नीचे आ गया 221, 55 / 221। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन था, अगर किसी को कम समझ में आया तो 2 बार देखना, और नहीं आया तो 3 बार देखना,
फिर समझ में आ जाएगा। ये मैं लास्ट में कराने में था क्वेश्चन, लेकिन ये यहाँ पे आ गया, तो इसको यहाँ पे हमने कर लिया। अब देखो, 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, 52 पत्तों में प्रत्येक के निकाले जाने की संभावना समान है, निकाले गए पत्ते के फेस कार्ड तो ऑलरेडी हम कर चुके, 3/13, 3/13। अब देखो, ये ज्ञात है कि 600 बिजली के बल्बों के एक डिब्बे में 12 बल्ब खराब है। इस डिब्बे में से एक बल्ब यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, ये बल्ब के खराब न होने की प्रायिकता क्या है? वो जो बल्ब है वो खराब नहीं होना चाहिए, ये प्रायिकता आपको बतानी है। ठीक है, 600 बिजली के बल्ब है टोटल, 600 टोटल है, ये टोटल आउटकम है 600, 12 उनमें खराब है, तो सही कितने हैं? आप कहोगे 600 - 12 यानी 5, 8, 8, ये है सही, सही बल्ब, ये सही बल्ब और ये 12 थे खराब बल्ब। ठीक है जी, ये थे 12 खराब और ये है सही। ठीक है, अगर इस डिब्बे में से एक बल्ब यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, ये बल्ब के खराब न होने की क्या प्रायिकता है? ये जो बल्ब है वो खराब नहीं होना चाहिए। अब इसको निकालने के पास आपके दो तरीके हैं। एक तो मैंने कहा था कल कि कोई घटना घटित हो रही है, उसकी प्रायिकता मान लो ए है, तो उस घटना के घटित न होने की प्रायिकता अगर उसमें एड करें तो दोनों को जोड़ने पे एक आता है। एक तो वो तरीका आपके पास निकालने का। दूसरा तरीका, अब मान लो कि आपको दूसरी वाली घटना निकालनी हो तो एक में से हटा दूं, ये तरीका एक तो था। दूसरा यह था कि आपके पास 588 सही बल्ब है, तो खराब बल्ब के खराब नहीं होना चाहिए। बल्ब खराब नहीं होने का मतलब क्या है कि बल्ब सही होना चाहिए, तो सही वाले बल्ब मेरे को चाहिए, सही वाले बल्ब मेरे को चाहिए। वो टोटल कितने बल्ब है? 600, ये हो गई इसकी प्रायिकता। बस 6 का भाग दे लो, 6 9 54, 4 8 66 48, 98/100 आ गया। 98/100 को क्या लिख दोगे? 0.98, 0.98 इसका आंसर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 बल्ब खराब है, टोटल 600 है, तो 12 मैंने हटा दिया, तो इसका मतलब 588 सही बल्ब है। वो कह रहा है कि बल्ब जो है ना, प्रायिकता क्या है कि बल्ब खराब ना आए। आपने कहा बल्ब खराब ना आए, इसका मतलब क्या है कि बल्ब सही आए, तो टोटल 600 बल्ब में से 588 बल्ब सही है, तो 588/600 इसकी प्रायिकता हो गई 0.98, 0.98 जो इसकी प्रायिकता हो गई। तो आया समझ में ये बात? तो देखिए, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने क्या किया, कार्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उनको हमने आज की क्लास में किया, उसमें कॉम्बिनेशन का कैसे यूज करते हैं वो भी आपने देखा। इससे आगे और जो भी मिक्स क्वेश्चन अब बचते हैं प्रोबेबिलिटी के, वो अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।